गुड इवनिंग एवरीवन, आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी, एम आई ऑडिबल? यस किसी बच्चे का डाउट है कि NBPR दोबारा बता दे। ठीक है बेटा, बताता हूँ। मान लो मैंने आपको बताया था मेरे पास कोई ए, यहाँ पर बेटा मैंने लिखा यहाँ पर फ्लोरीन और फ्लोरीन, एक ही मैं यहाँ पर कार्बन ही ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर इसका बोन एंगल होगा थीटा, यहाँ पर मैंने कार्बन लिखा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा थीटा टू थीटा। मैंने आपको बताया था जिस भी ऑर्बिटल में मेरे पास फ्लोरीन लगेगा वहां पर एस करेक्टर कम होगा। ठीक है, एस करेक्टर कम होगा तो बेटा ये बॉन्ड एंगल भी क्या होगा मेरे पास, थोड़ा कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उतना बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा मेरे पास, उतना ही मेरे पास बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। तो देखो, अगर आप ये सेम यहाँ पर लगाओगे ना बेटा, क्या क्लोरीन लगा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो एस करेक्टर कम, एस करेक्टर कम तो बॉन्ड एंगल भी यहाँ पर कम, तो आप गलत कर दोगे, क्योंकि बेटा क्लोरीन का साइज मेरे पास क्या होता है, बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, ड्यू टू इसका साइज बड़ा है बेटा, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। तो बेटा इसमें आपस में यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से बेटा ये थीटा टू, डिस्पाइट द फैक्ट ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जहां पर नॉर्मली और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगने के कारण एंगल कम हो जाता है, यहाँ पर बेटा एंगल सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तो ये थर्ड पीरियड से है, तो इसको बोला जाता है बेटा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए आज की थ्योरी बेटा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी सर इम्पोर्टेंट। हाँ जी सर यहाँ पे एक और लाइन लिखी थी लास्ट में NBPR में कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज द बॉन्ड एंगल टू द मैक्सिमम अमंग सेम स्टेरिक नंबर, इसका क्या मतलब मैंने क्या बोला बेटा, दोबारा बोलना क्या सर? लिखवाया था मैंने। इसमें व्हेन सेंट्रल एटम बिलोंग टू सेकेंड पीरियड एंड साइड एटम बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड हाँ ऑनवर्ड पीरियड, देन रिपल्शन बिटवीन साइड एटम डोमिनेट्स ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज द बॉन्ड एंगल टू द मैक्सिमम अमंग सेम स्टेरिक नंबर। तो हाँ सर इसमें अरे लास्ट देखो, वाली अच्छा मान लो बेटा मैंने यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन में एंगल देखा, अगर मैं सेम एंगल देखता हूँ क्लोरीन और BCl3 के अंदर, यहाँ पर से एक नंबर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 3, यस और नो? यस सर यहाँ पर एंगल तो 120 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा एंगल, यहाँ पर जो एंगल है क्लोरीन क्लोरीन का वो 109 से कुछ ज्यादा होगा ना, 28 मिनट से कुछ ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, 110 हो जाएगा, 115 हो जाएगा मैक्सिमम, 15 भी नहीं होगा, 110 111 मिलेगा। तो बेटा सेम से एक नंबर को तो कंपेयर करोगे ना, अलग अलग से एक नंबर को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते ना, ओके सर ओके इसका स्ट्रक्चर ही अलग हुआ, यहाँ पे टेट्राहेड्रल बन रहा है, यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है, तो कंपेयर ही नहीं करना ना दोनों को, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए ओके सर आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, मान लो बेटा कोई एटम है, एक एटम, हाँ जी बेटा आवाज आ रही है? यस सर एक एटम का बेटा, एक एटम की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, बेसिकली एक एटम का बेटा आधार कार्ड क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस और नो? यस सर हाँ जी बेटा, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? यस सर कम आवाज कम हो तो नहीं है? आवाज सही है, आवाज कम हो गई। हो गई फिर। वेट, फिर आपको 2 सेकंड वेट करना पड़ेगा बेटा, मैं अभी दोबारा ज्वाइन करूंगा तब आवाज सही आएगी। अब प्लीज मीटिंग लीव मत करना, मैं अभी ज्वाइन करता हूँ। हाँ जी बेटा, चलिए
हम कहां थे, मैंने बोला बेटा कोई मेरा एटम होता है उसकी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही मैं बेटा क्या कर सकता हूँ, उस एटम के बारे में सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिराइव कर सकता हूँ। जैसे कार्बन है बेटा मेरे पास, हाफ फील्ड बनाएगा, फुल फील्ड बनाएगा, हमने सब इसको अच्छे में पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था बेटा, यस और नो? यस सर। ठीक है बेटा जी। वैसे ही बेटा मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक एटम का आधार कार्ड होता है मेरे पास, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। लेकिन एक मॉलिक्यूल का क्या बेटा, जब एक मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो बेटा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख सकता हूँ, एटम की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है, क्या एक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है बेटा? नो सर। हाँ नहीं बेटा, इसको भी लिखी जा सकती है। देखो ये डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है मॉलिक्यूल की, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा ही कुछ लिखते हैं वो बेटा हमें क्या पता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। इसलिए एक एटम के बारे में जब भी आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। वैसे ही अगर किसी मॉलिक्यूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी हो ना, CH4 है कैसे बिहेव करेगा, NO2 कैसे बिहेव करेगा, O2 कैसे बिहेव करेगा, N2 कैसे बिहेव करेगा, तो बेटा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। इनडायरेक्टली जैसे एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वैसे बेटा मॉलिक्यूल की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सकता हूँ। आप मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मेरा मतलब क्या है वो हम सीखेंगे थोड़ी देर में। यस क्लियर? ठीक यस सर। है बेटा। देखो देखो बेटा मेरे पास मॉलिक्यूल कब बनते हैं, एटम से मिलकर बनता है। देखो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एटम्स कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल, एटम्स की ऑर्बिटल क्या करती है, ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूल बनता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी बेटा जो एटम की ऑर्बिटल थी कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक एटम ए की ऑर्बिटल ये थी, बी की ऑर्बिटल ये थी, तो बेटा अब ये जो नई ऑर्बिटल बनी ना कंबाइन करके, इसको बेटा बोल देता हूँ मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यस और नो? यस सर। लेकिन ये नॉन रियल होता है बेटा एक्चुअली में। देखो ये ऑर्बिटल तो मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल थोड़ी होती है, एक्चुअली में तो एटम की ऑर्बिटल है, तो ये एक नॉन रियल है। लेकिन बेटा बड़े काम का कॉन्सेप्ट है मेरे पास, थ्योरेटिकल है, इसका एक्सपेरिमेंटल कुछ नहीं है, लेकिन थ्योरी है, इस थ्योरी से मुझे इन्फॉर्मेशन बड़ी काम की मिलती है। क्लियर? यस यस और सर। हाँ। तो देखो अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती कैसे है। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MO का मतलब बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है। AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मड बाय एटॉमिक ऑर्बिटल वाया हाइपोथेटिकल मिक्सिंग। टू मेथड्स आर नोन फॉर दिस मिक्सिंग। एक तो बेटा मेरे पास रहता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी बेटा देखो मैंने बताया कि एक ऑर्बिटल ने, एटॉमिक ऑर्बिटल ने दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप किया, ठीक है। एक्चुअली में तो ये बेटा अभी भी एज इट इज रहता है, लेकिन लेकिन मैं मॉलिक्यूल का बिहेवियर समझने के लिए ना मैंने एक थ्योरी डिवाइस कर रखी है, मैथमेटिकल वे होता है एक्चुअली बेटा। और मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है कि सारा मैथमेटिकल थ्योरी मेरे पास एक्चुअली में रियलिटी में एग्जिस्ट करती हूँ, ठीक है। काफी सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वैसे ही बेटा ये भी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैं ऑर्बिटल को वेव मान के चलता हूँ यहाँ पर। ऑर्बिटल क्या होती है बेटा, वेव होती है, ठीक है। तो दो मेथड होते हैं बेटा जिससे मैं एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर देता हूँ मॉलिक्यूल के अंदर और मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे देते हैं। एक होता है बेटा LCAO यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरा होता है यूनाइटेड एटम मेथड। इसको बेटा हमें नहीं करना होता, ये इसको तो बिल्कुल भी नहीं करना था। हाँ ये हमें पढ़ना है बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा आपको? सो ये थर्ड वाले दोबारा बता दो। थर्ड वाली है बेटा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिस तरीके से मिक्स होके मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी, उसके दो मेथड होते हैं। ये मेथड अभी एक्सप्लेन करूंगा ना, ये तो मैंने सिर्फ नाम बताया आपको मेथड का। ओके सर। ओके चलिए अब बेटा आगे चलते। तो देखो ध्यान से देखो बेटा, मैं इसको थोड़ा सा जूम। फर्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो ध्यान से बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो बेटा एक एटम से एक ऑर्बिटल आई, दूसरे एटम से बेटा मेरे पास एक ऑर्बिटल आई, तो कितनी ऑर्बिटल मिक्स हुई बेटा, एक ये टोटल टू ऑर्बिटल, टू एटॉमिक ऑर्बिटल आई, यस और नो? यस सर। तो बेटा अगर एटॉमिक ऑर्बिटल दो थी ना, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी वो भी कितनी बनती है बेटा, टू ही बनती है। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना सिखाऊंगा अभी आपको, अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाता कैसे। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल दो थी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो ही बनेगी। इसको बोला जाता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा नहीं है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल पहले थी और बाद में एक ही बच गई, नहीं बेटा। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल थी तो जो मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल बनती है ओवरलैपिंग जिस तरीके से होती है, वो भी कितनी बनती है मेरे पास, दो ही बनेगी। यस और नो? क्लियर? यस सर। फिफ्थ पॉइंट, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल मे बी ऑफ टू टाइप्स। बेटा देखो एक ऑर्बिटल दूसरी ऑर्बिटल के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। तो बेटा दो तरीके से मिक्सिंग होती है। पहला होता है बेटे पास एडिटिव मिक्सिंग,
यानी एक ऑर्बिटल दूसरी ऑर्बिटल के साथ क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसको आप सिर्फ वैसे याद रखो जैसे बेटा दो वेव्स होती हैं, वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप भी कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप भी कर सकते हैं, ये सुनो ऐसा होता है ना बेटा, वेव्स तो पढ़ रखे होंगे आपने फिजिक्स में? नहीं सर। अच्छा वेव नहीं पढ़े? नहीं सर अभी नहीं पढ़े। इसको बेटा याद रख लेना, बेटा जैसे दो वेव्स होती है ना, एक वेव ये है एक वेव ये है, तो बेटा अगर एक वेव पहली वेव ये है और दूसरी वेव भी जस्ट इसके ऊपर आई ना, तो क्या बोलता हूँ बेटा, इसको बोलता हूँ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और अगर बेटा मेरे पास एक वेव ऐसे आई और दूसरी वेव की बेटा डायरेक्शन बिल्कुल अलग हो, फेज अलग हो, तो बेटा अब ये क्या कर देती है, ये वेव बेटा मेरे पास खत्म ही हो जाती है, क्योंकि एक वेव अगर अपर है तो दूसरी वेव लोअर है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है। इसको बोलता हूँ बेटा डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, क्लियर? यस सर। ठीक है, देखो इसको जो आप वेव पढ़ोगे ना, तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना फिजिक्स में, फिर तो आपको इतनी सेंस बनेगी इसकी, क्योंकि बेटा सभी वेव्स के तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ, तो अभी शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है समझने में, क्योंकि आपने वेव्स नहीं पढ़ा। चलो मान के चलो बेटा एडिटिव मिक्सिंग को जस्ट आपने ट्रीट करना है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप के साथ, यानी दो ऑर्बिटल आपस में ऐड हो जाएंगे। सब्ट्रैक्टिव मतलब दो ऑर्बिटल आपस में ऐड माइनस हो जाते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखो बाय एडिटिव मिक्सिंग बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। जब दो ऑर्बिटल बेटा कंबाइन करती हैं, तो मैंने बताया था कि अगर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल दो हैं तो मोलिकुलर ऑर्बिटल कितनी बनेगी बेटा, दो ही बनेगी, ठीक है। उनमें से एक बनती है बेटा एडिटिव मिक्सिंग के थ्रू, उसको बोलता हूँ बेटा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, BMO बोल देता हूँ, यानी एक ऑर्बिटल बेटा उसको बोलता हूँ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, और बेटा स्टेबल ऑर्बिटल ये होती है मोर इन एंड देयरफॉर लेसर इन एनर्जी। अभी थोड़ा वेट करो, जब मैं बनाऊंगा पूरा एमओ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इसका मीनिंग क्या है। दूसरा बस सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग, यानी बेटा क्या हो सकता है, एक तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी, देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आया, एक एटम ये इसकी ऑर्बिटल आई, एक एटम ये इसकी ऑर्बिटल आई, ये क्या करेंगे बेटा आपस में ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने से बेटा एनर्जी एक मोलिकुलर ऑर्बिटल की कम हो जाएगी और दूसरे की इंक्रीज हो जाएगी। इसकी डिक्रीज क्यों हुई, क्योंकि ऐड हो गई या सब्ट्रैक्ट हो, जो ऐड हुई बेटा यानी एनर्जी कम हो चुकी है उसको बोलता हूँ बेटा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और जहां पे एनर्जी इंक्रीज हुई उसको बोला जाता है बेटा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये था बाय सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म, ठीक है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज लेस एंड देयरफॉर हायर इन एनर्जी। याद रखना बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा। एक्सक्यूज मी सर, सर ये बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ बनेंगे एक बार? अच्छा बेटा ये अभी आपको बताऊंगा मैं, जब आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब बताऊंगा, क्लियर। पहली बात तो बेटा मॉलिक्यूल के अंदर इसको लोकेट करना, खैर बता दूंगा आपको कहाँ पर लोकेट किया जा सकता है, क्लियर। मतलब सर ये होते क्या है बॉन्डिंग और नॉन ऑर्बिटल, क्या होता है मुझे बताओ, ऑर्बिटल होता है क्या, एक स्पेस ही तो होता है। यस सर। बेटा ये भी बस स्पेस और कुछ भी नहीं है। ओके सर। सिर्फ देखो ऑन पेपर करने के लिए आपको इस तरीके से करना है कि बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग है, एक्चुअली में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये सिर्फ नॉन रियल चीजें हैं बेटा, मैंने पहले बताया ये सिर्फ थ्योरी है ऑन पेपर, लेकिन बेटा बड़े काम की थ्योरी है, इसके बिना आप मोलिक्यूल के बिहेवियर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बेटा, कभी भी नहीं कर पाएंगे। आगे आप पढ़ेंगे तो बेटा इस पूरी थ्योरी के ऊपर केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया जाता है, बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हैं सिर्फ इसी थ्योरी के बेसिस, क्लियर सर? हाँ जी सर, ये मान के चलो, चलो देखो बेटा, हाँ जी बोलो सर। एडिटिव मिक्सिंग में मतलब एनर्जी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, जैसे वेव की इंक्रीज हो जाता है मैग्नीट्यूड, तो नहीं बेटा वो देखो, नहीं बेटा वो स्टेबल हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों स्टेबल होता है। देखो बेटा ये ए है ये बी है, तो मान लो इन दोनों के बेटा ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस के जस्ट बीचों बीच में एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है, इस रीजन को बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। और देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मतलब एक स्पेस यहाँ पर ही मौजूद रहता है बेटा, यहाँ पर भी, इसको बोला जाता है बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ठीक है। देखो वेव का मैंने तरीका आपको समझाने के लिए किया था, एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो जाता बेटा मेरे पास, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है ना, दो न्यूक्लियस के बीच में है, तो बेटा इसकी एनर्जी सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, क्लियर? ओके सर। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम सकता है, इस वहम में मत रहना कि इलेक्ट्रॉन हमेशा यहाँ रहेगा, नहीं बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रहता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रह सकता है, अगर यहाँ पर है तो एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर है तो बेटा बॉन्डिंग, बस इतना आपको ध्यान, क्लियर बेटा? यस सर। चलिए सर, ये आपने अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस बनाया, तो मतलब इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है?
अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस मीनिंग बेटा इसकी शेप तो मैंने अभी आपको बताया नहीं ना, ये तो मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है, अभी आपको दिखाऊंगा कि एस एस ओवरलैप कैसे होता है, एस पी ओवरलैप कैसे होता है, पी पी ओवरलैप कैसे होता है, क्लियर? ओके सर, चलिए आगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूं इंपॉर्टेंट। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉलोस दोस रूल व्हिच आर फॉलोड बाय एटॉमिक ऑर्बिटल, सेम रूल फॉलो करता है बेटा, ओफ बॉ प्रिंसिपल, हंट्स प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल, जैसे आपने वहां पे रखा था ना कि पी के अंदर पहले मुझे पॉली प्रिंसिपल होता है बेटा, हंट्स होता है कि पहले आपको सिंगली ऑक्यूपाई कराना है फिर पेयरिंग होगी, यहां पर ही बेटा सेम के सेम रूल बिल्कुल आपके अप्लाई होते हैं, सेम रूल। ठीक है, चलिए, ऑल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। एमओटी के अंदर मैं क्या मान के चलता हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वहां पे मैंने क्या माना था कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एमओटी में मानता हूं बेटा सारे के सारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इनर ऑर्बिटल भी एक्सटर्नल ऑर्बिटल। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको जब इसका ड्रॉ करेंगे हम एमओटी का स्ट्रक्चर, तो आपको क्लियर होगा। ये सुनो, यस सर। 10th पॉइंट, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, वो ऑर्बिटल ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एटम्स हैविंग सिमिलर एनर्जी एंड सिमिलर सिमेट्री मिक्स टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मान लो मेरे पास बेटा कार्बन है, कार्बन के अंदर बेटा 1s, 2s एंड 2p, मेरे पास बेटा ऑक्सीजन है, इसके अंदर क्या है 1s, 2s एंड 2p, तो ऐसा नहीं होगा बेटा कि 1s मेरा 2s 2p के साथ मिक्स हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। 1s की एनर्जी कार्बन की 1s की एनर्जी के कंपेरेबल है ऑक्सीजन की 1s एनर्जी, तो इन दोनों में ही बेटा मिक्सिंग हो, वैसे ही ऑक्सीजन की 2s कार्बन के 2s के कंपेरेबल है तो इन दोनों मिक्सिंग होगी, और कार्बन की 2p और ऑक्सीजन की 2p बेटा कंपेरेबल है तो इन दोनों के अंदर मिक्सिंग हो। इसका मतलब ये है बेटा कि वही ऑर्बिटल मिक्स होती हैं जिनकी एनर्जी सिमिलर होती है। ठीक है, यस सर। और देखो अगेन सेम बात ये भी है कि जितना बेटा एनर्जी और सिमिट्री में एक दूसरे के क्या होगा गैप कम होगा, ये सिमिलर एनर्जी सिमिट्री होंगी तो उतनी ही ज्यादा बेटा क्या होगी एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग। कई बार ऐसा होता है कि बेटा दो अलग अलग एटम है तो उनकी एनर्जी अलग अलग लेवल पे होती है, सिमिलर होती है, एक की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी सी कम, तो उनमें इतनी अच्छी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी जितनी होती अगर दोनों की एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती। क्लियर? ठीक है, मतलब यहां पे एक की एनर्जी है बेटा, मान लो ये इसका 1s है, एक का 1s है कार्बन का और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1, कार्बन का 1s है बेटा मान लो मेरे पास 2 जूल पे, ऑक्सीजन का 1s है मान लो बेटा मेरे पास 1.5 जूल पे, तो दोनों की एनर्जी थोड़ी अलग अलग हुई। यस सर, तो इसमें इतनी इफेक्टिव मिक्सिंग नहीं होगी बेटा, मतलब होगी तो अच्छी, लेकिन अगर इसकी भी 2 जूल होती ना फिर बहुत अच्छी मिक्सिंग होती बेटा दोनों की, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या होती सेम होती। इस पॉइंट का मतलब सिर्फ यही है। ओके सर, ठीक है, चलिए अब चलते हैं। देखो बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे हो। सर पिछला पेज दिखाना लीजिए बेटा, हाँ जी हो गया। डन, चलिए बेटा आगे। ठीक, अब देखो बेटा ध्यान से, देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूं, मैंने क्या बताया था कि ऑर्बिटल जब बेटा एक दूसरे से मिक्स होती हैं तो वो LCAO मेथड के थ्रू होती हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब भाई आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इससे पहले जितने मैंने आपको पॉइंट लिखाए थे वे सेलाइंट फीचर थे इसके एमओटी के, जब भी आप एमओटी पढ़े तो उनको उसको एक बार पढ़े, एमओटी का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए हमें फाइनल, वही काम की चीज है, बाकी तो सब पॉइंट्स थे। कैसे बेटा, मेरे पास मान लो ये 1s है और ये मेरे पास 1s है, ठीक है। देखो पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है बेटा, पॉजिटिव साइन का मतलब होता है बेटा दोनों का फेज सेम है। फेज पता है आपको क्या होता है बेटा, फेज आपने वेव्स आपने नहीं वेव्स नहीं पढ़े ना बेटा, आप वेव्स पढ़ेंगे ना बेटा, वो फिजिक्स में थोड़ा वेव्स पढ़ेंगे ना तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। एक्चुअली फेज का मतलब बेटा सिंपल ये होता है कि दोनों में ना ओवरलैपिंग कंस्ट्रक्टिव होगी, अगर सेम फेज में है तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगी, तो एडिशन हो गया, एडिशन हो गया। देखो बेटा ये और ये एक दूसरे से अब एरिया ज्यादा हो गया ना, कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप कर चुके हैं बेटा, यहाँ पर क्या हो चुका है बेटा एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं किया, ठीक है। तो बेटा जब कैंसिल आउट नहीं करते और एडिशन होता है दोनों का सेम फेज होगा तो इसको बोलता हूँ बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? यस सर। बेटा इस बॉन्ड को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है जब कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करते हैं, और कौन सी ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से बना सिग्मा बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s, इसकी 1s इसकी 1s, ठीक है। ऐसे बेटा मान लो मेरे पास इसका पॉजिटिव
इसके नेगेटिव के साथ क्या करता है बेटा, ओवरलैप करता है, तो ये सबट्रैक्शन हो गया, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो बेटा इसको देखो, अब देखो इन दोनों में बेटा बीच का एरिया क्या हो चुका है, एक दूसरे से बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्योंकि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप करते हैं। तो देखो बेटा, मान लो ये एक सेंटर था, एक न्यूक्लियस था, बीच का एरिया तो खत्म, थोड़ा बेटा इसके लेफ्ट में और इसके लेफ्ट सॉरी इसके राइट में, यहाँ बेटा थोड़ा मेरा ऑर्बिटल बचेगा। ऑर्बिटल से मेरा सीधा मतलब है वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है बेटा, सिंपल सी बात है। तो अगर बेटा इलेक्ट्रॉन दोनों के अगर बीच में घूम रहा है तो बॉन्डिंग, अगर एक एटम के लेफ्ट में राइट में घूम रहा है उसको बोलते हैं बेटा एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग को कैसे बेटा हम लिखते कैसे, सिग्मा वन है, सेम रहता है बट यहाँ पर मैंने स्टार लगा दिया। ये स्टार क्या बताता है बेटा कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुके। क्लियर सर? हमें कैसे पता चलेगा कौन सा प्लस है कौन सा माइनस? नहीं बेटा मैं तो मैंने बताया हमेशा यही होता है, जब भी दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दोनों केस बनते हैं बेटा, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप भी होता है डिस्ट्रक्टिव भी होता है, दोनों सेम होते हैं बेटा। ओके सर, ओके। हाँ क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था बेटा, दो ऑर्बिटल अगर मिल रही हैं तो कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, दो, एक तो ये बन गई बॉन्डिंग वाली और एक ये बनती है एंटी बॉन्डिंग वाली। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर ये बनाया, मान लो बेटा मेरे पास एनर्जी देखो ऐसे इंक्रीज हो रही है, 1s की, 1s की कोई एनर्जी थी, कोई 1s 1s की अपनी एनर्जी थी और हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था। तो बेटा जब भी ओवरलैप करेंगे ना तो इसका मतलब देखो, ओवरलैप करके एनर्जी कम करेंगे बॉन्डिंग बनाएगा, ओवरलैप करके एनर्जी बढ़ाएंगे एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। बॉन्डिंग क्या बोलता हूँ बेटा, सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग क्या बोलता हूँ बेटा, सिग्मा 1s स्टार। क्लियर सर? यहाँ पे अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लें तो फिर कार्बन में भी प्लस और माइनस दोनों होंगे ना? अभी बताएंगे बेटा, बिल्कुल दोनों होंगे, सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है। देखो आपको प्लस माइनस भी याद नहीं रखना है, सिर्फ समझाने के लिए आपको याद रखना है कि दो ऑर्बिटल अगर आई एटॉमिक ऑर्बिटल तो कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, दो, एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज्यादा होगी। कम क्यों बनता है, एडिशन से, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप से, और ज्यादा क्यों होता है बेटा, सब्ट्रैक्शन से, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप से। बस इतना बात याद रखना, आपको ये याद रखना है, ये तो चलो समझाने के लिए आया। क्लियर? ओके सर। ये बताओ मॉलिक्यूल बनता ही क्यों है बेटा, ताकि अपनी एनर्जी कम कर सके। हाँ सर। तो बेटा देखो 1s की, जब ये मेरे पास एटम था एटॉमिक की फॉर्म में था तो 1s की एनर्जी थी, कुछ एनर्जी होगी बेटा, और यहाँ पर 1s था, दोनों की एनर्जी सेम थी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा। तो बेटा जब ये आपस में कंबाइन होंगे ओवरलैपिंग करेगी तो बेटा मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है। और मान लो बेटा यहाँ पर एनर्जी, एनर्जी बताता है वाला वाई एक्सिस, ये एनर्जी थी, कितनी एनर्जी कम हुई बेटा, माइनस ए से एनर्जी कम होती है। यस और नो? ओके सर। हमेशा याद रखना बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग कम होती है, लेकिन हमेशा इक्वल अमाउंट से। अगर बेटा इसकी एनर्जी मैं यहाँ पर जीरो मान के चलूं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ए कम हुई तो माइनस है, तो बेटा जो एंटी बॉन्डिंग है ना उसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी बेटा, ए से ही इंक्रीज होगी। सेम मैग्नीट्यूड होता है बट साइन अपोजिट होता है, क्योंकि ये स्टेबलाइज करता है और ये डिस्टेबलाइज करता है। सिर्फ इतना पार्ट याद रखिए, बाकी तो सब थ्योरी है बेटा आपको समझाने के लिए। क्लियर? देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, द एनर्जी बाय विच बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज स्टेबलाइज्ड, ठीक है, द एंड इज डिस्टेबलाइज्ड बाय द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर? यस और नो? यस सर। ठीक है, देखो जब इसकी एप्लीकेशन आएगी ना तब आपको क्लियर होगा कि मैं आपको कैसे क्यों बता रहा हूँ और कैसे ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और देखो ये तो है ही एक पॉइंट, बेटर द सिमेट्री एंड एनर्जी मैच मोर विल बी स्टेबलाइजेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड हेंस डीस्टेबलाइजेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। यानी बेटा अगर 1s 1s की जितनी एनर्जी सेम होगी तो जितनी मैक्सिमम एनर्जी कम हो सकती है उतनी बॉन्डिंग की कम होगी और उतनी ही मेरी एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये पॉइंट याद रख लेना बस, समझ में आया? ओके सर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या सर, फिर ऐसे ही एटम स्टेबल हो जाता है कि मतलब इसकी बढ़ती है तो इसकी कम हो जाती है? अभी बताता हूँ आपको। देखो ये मैंने सिर्फ आपको थ्योरी बताई है, एप्लीकेशन आएगी ना तो आपको खुद पता चलेगा बहुत सारी चीजें मॉलिक्यूल की से स्टेबल हो जाती हैं। जैसे आपके पास हाइड्रोजन मिलता है, कभी हीलियम 2 मिलता है बेटा आपको? नो सर। यस सर। क्यों नहीं मिलता? अभी इसी के बेस पे एक्सप्लेन करूंगा बेटा, इसी के बेस पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। मतलब बेटा देखो अगेन, ये कोई मेरे पास दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल 1, एटॉमिक ऑर्बिटल 2, लेकिन इन दोनों की बेटा एनर्जी सेम नहीं है। यहाँ पर देखो हमेशा मान के चलना कि वाई एक्सिस पे एनर्जी है, एनर्जी सेम है, यहाँ पर बेटा इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन मैंने, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मुझे इनमें ओवरलैप कराना ही था। तो सबसे पहली बात, ओवरलैपिंग बेटा बहुत कम होगी यहाँ पर, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबलाइजेशन जितनी यहाँ हो रही थी ना उतनी नहीं होगी,
थोड़ी स्टेबिलाईजेशन होगी लेकिन उस अमाउंट से नहीं होगी जितनी वहां पर होगी. क्लियर बेटा? इसको yes, बोलते हैं असिमेट्रिकल एंड डिफरेंस एनर्जी. तो ध्यान से रखो बेटा, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, ये बॉन्डिंग, इसकी एनर्जी किसके ज्यादा पास है बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल 1 के. यस सर. तो बेटा इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कैरेक्टर एटॉमिक ऑर्बिटल 1 से काफी मैच करता है. ये पॉइंट बताता हूं क्या एक्सप्लेन करेगा, ये पॉइंट आगे आएगा कि हियर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज मोर कैरेक्टर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल 1 एज इट इज क्लोजर इन एनर्जी टू एटॉमिक ऑर्बिटल 1. तो एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा, ये किसके क्लोज है? ये क्लोजर है एटॉमिक ऑर्बिटल 2 के. तो बेटा इसके अंदर थोड़ा एंटी बॉन्डिंग के कैरेक्टर किसके पास ज्यादा आएगा? एटॉमिक ऑर्बिटल 2 का. इसको बस एक पॉइंट को याद रखिए, इसको एक्सप्लेन करता हूं आप, ठीक है? सिंपल. चलिए अगेन बेटा देखो, ये पॉइंट मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, इस पॉइंट को थोड़ा आप टाइम दीजिए, थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा सेम पॉइंट को, ठीक है? चलिए आगे चलते. ठीक है चलिए. हाँ बेटा, सेम एग्जांपल के अंदर मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा यहाँ पर है और दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर है. मैं चाहता हूँ कि दोनों ओवरलैप हो जाएं, लेकिन बेटा यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा है. इतना ज्यादा एनर्जी गैप हो गया कि दोनों बेटा क्या करेंगे, ओवरलैप ही नहीं कर पाएंगे. उस केस में बेटा मेरे को क्या मिलता है बेटा, ये मेरे पास आयनिक कंपाउंड बना लेता है और ऐसी ऑर्बिटल, चलो आयनिक कंपाउंड को थोड़ी देर भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ऐसी ऑर्बिटल बेटा जो किसके साथ क्या ओवरलैपिंग नहीं करती है, ऐसी ऑर्बिटल को बोला जाता है बेटा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्योंकि इसने किसी के साथ भी बॉन्डिंग ही नहीं शो करी बेटा, क्योंकि इसको अपने सूटेबल एनर्जी कोई पार्टनर ही नहीं मिल पाया. क्लियर? यस सर. ठीक है चलिए. देखो जैसे बेटा मेरे पास पी था, वैसे बेटा मेरे पास 2pz ऑर्बिटल भी करेगा. देखो 2pz ऑर्बिटल एक है, एक 2pz आया, दूसरा 2pz आया, तो क्या करेगा बेटा, ये सिग्मा pz बना लेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है. ऐसे बेटा मेरे पास एक, ये मेरे पास अगर कंस्ट्रक्टिव एडिशन होगा तो बॉन्डिंग बनाएगा, सब्ट्रैक्शन हुआ तो बेटा एंटी बॉन्डिंग बनाई. लेकिन हमेशा बेटा एक मान के चलता हूं मैं कि जो मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, तो बेटा जो इसके अंदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनती है ना, वो बेटा हमेशा जेड एक्सिस से बनती है. किससे बनती है? जेड एक्सिस से बनती है. ये एक सिर्फ नोटेशन में मान के चलता हूं. क्लियर? तो देखो अगर जेड एक्सिस बेटा ऐसे है तो पी कैसे होंगी? पी और जेड तो जेड एक्सिस और पी एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये बेटा परपेंडिकुलर होगा. तो ये क्या करेगा बेटा, ये भी एडिशन जा सकता है. तो देखो ऐसा ही होता है, ये न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव पॉजिटिव बेटा यहाँ पर एडिशन हो गया, एडिशन हो गया, लेकिन बेटा यहाँ पर एंड टू एंड ओवरलैप नहीं हुआ. यहाँ पर कैसा ओवरलैप हुआ बेटा? साइड वाइज. तो ऐसी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बोलता हूँ बेटा, बताओ, पाई 2px. समझ में आया? और अगर ये एंटी बॉन्डिंग होगा तो पाई. सिंपल बात है बेटा, जेड एक्सिस के थ्रू सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक्स एक्सिस के थ्रू पी में पाई बॉन्ड बनता है. सिंपल बात यही है इसमें, ठीक है? अगर दो ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ भी क्या बनती है बेटा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, किसकी? पाई की. पाई बनेगा और पाई स्टार बनेगा. यस और नो? यस सर. ठीक है चलिए. देखो बेटा मेरे पास, हाँ जी सर, पिछले वाले में वहां पे माइनस प्लस था और प्लस माइनस, तो इनमें एडिशन कैसे हो गए? हाँ बेटा देखो क्या है, एक ऑर्बिटल जब मान के चलता हूँ ना मैं, ये वाली ऑर्बिटल, ठीक है, पी वाली, यहाँ पर दो लोब होती हैं, एक लोब हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है, एक लोब हमेशा माइनस मानी जाती है. तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ तो ओवरलैप करेगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ तो ओवरलैप करेगा. यस और नो? हाँ सर, मैं वो 2pz वाले में बात कर रही थी, वहां पे तो पहले वाले में माइनस प्लस है, फिर दूसरे वाले में प्लस माइनस है, तो वो एडिशन कैसे हो गया? प्लस प्लस हमेशा प्लस के साथ करेगा और यहाँ पर प्लस माइनस के साथ करेगा. अगर प्लस प्लस मिल रहे हैं तो एडिशन हो जाएगा, प्लस माइनस मिल रहे हैं तो बेटा एंटी बॉन्डिंग बन जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. ये वाला प्लस इस प्लस के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, नहीं कर लेगा? ओके सर. ठीक है चलिए. देखो ऐसे बेटा काफी ऑर्बिटल्स हैं, आपको इनका स्ट्रक्चर सबको याद नहीं रखना, बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए. देखो बेटा डी में काफी केस बन जाते हैं मेरे पर, dxy dyz dzx. तो देखो ये बेटा ये प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ तो कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप होता है, पाई ऑर्बिटल बोला जाता है. प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ, तो यहाँ पर बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये आपको याद नहीं रखने बेटा, ये स्ट्रक्चर भी नहीं बनाने आप, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि मेरे पास किस तरीके से एडिटिव मिक्सिंग होती है और किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव वाली मिक्सिंग होती है. क्लियर वाली बात. तो देखो ये बेटा मैंने सिंपल आपको एक बात बताया, आपको सिर्फ ये याद रखना है. देखो 1s 1s ओवरलैप करेगा तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल, तो कितनी ऑर्बिटल मिलेंगी मेरे को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो मिलेंगी, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग वाले को सिग्मा बनता है तो सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा 1s स्टार. ऐसे बेटा 2s बनता है तो सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार. 2pz बनता है तो बेटा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz स्टार. याद रखना बेटा जब भी पी ओवरलैप करेगा ना
तो 2pz वाला तो क्या बनाता है बेटा सिग्मा, लेकिन पी एक्स और पी वाई वाले जब भी ओवरलैप करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, पाई बनाते हैं, यस और नो? ओके सर, क्योंकि मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को जेड एक्सिस मान के चलता हूँ, प्लस अगर जेड जेड सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो पी पी कैसे बनाएंगे बेटा, पी एक्स पी वाई के पास लेटरल वाइज ओवरलैप होगा और वो पाई बॉन्ड बनेगा, बस आपको ये याद रखना है, बाकी तो सारी थ्योरी थी आपको ये चीज समझाने के लिए, क्लियर? यस सर। देखो एक डेल्टा बॉन्ड भी होता है बेटा, सिग्मा पाई डेल्टा आपके सिलेबस में नहीं है, डेल्टा बॉन्ड भी होता है, ठीक है? किसी भी दो एटम के बीच में मैक्सिमम 5 बॉन्ड बेटा हमने इजीली खोज भी लिए हैं, ये क्रोमियम क्रोमियम के बीच में बेटा 5 बॉन्ड मिलते हैं, डेल्टा बॉन्ड मिलता है, उससे आगे और भी बॉन्ड होते हैं, लेकिन सिग्मा पाई डेल्टा आपको बस आइडिया होना चाहिए डेल्टा। अब देखो बेटा ये बड़े काम की चीज है, मैं क्या बनाता हूँ बेटा, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। इससे पहले मैं ये समझाता हूँ आपको, उससे पहले मैं ये समझाता हूँ, ठीक है? इसको बाद में, पहले समझ। देखो बेटा इसको बोलता हूँ मैं मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, यही बड़े काम की चीज है, यही मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइप मान लो आप किसी मॉलिक्यूल के लिए, जैसे एटम के लिए होता है, उसी को बेटा मैं क्या करता हूँ इजीली आपके सामने लिख देता हूँ। देखो बेटा कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाती है, 1s2 2s2 2p2, यस और नो? यस सर। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s की होती है, ऐसे ओवा प्रिंसिपल क्या बोलता है, इंक्रीजिंग एनर्जी, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन गया तो 1s की एनर्जी कम, देन 2s, तो मैंने देखो यहां पर एनर्जी लिख दी 1s की सबसे कम, देन 2s एंड देन 2p, ऐसे बेटा दूसरा भी कार्बन था 1s 2s एंड 2p, यस और नो? यस सर। ठीक है, मैंने वन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन फिल अप कर दिए, 1 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सिंपल सी बात है। अब देखो बेटा ध्यान से बेटा, जब मेरे पास एक ये जो मेरे पास कार्बन का 1s है ना, देखो एमओटी मैंने आपको क्या बताया था, पहला पॉइंट कि सारे के सारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, कोई इनर आउटर का चक्कर नहीं रहता, पहली बात। दूसरी बात, सेम एनर्जी वाले क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। देखो बेटा मैंने ये बनाया, एक कार्बन की पहले कार्बन की 1s दूसरे कार्बन की 1s के साथ ओवरलैप करती है, और क्योंकि ऑर्बिटल कंजर्व रहती हैं, एक ऑर्बिटल ये एक ऑर्बिटल ये, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल दो थी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो ही रहेंगी, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरी ये, ठीक है? तो बेटा एक ये बनी, एक ये बनी, 1s से बनी सिग्मा, सिग्मा 1s, और इसका अपोजिट बेटा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है? ऐसे बेटा 2s 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। बेटा यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है? यहाँ पे आपको बताता हूँ डिस्टिंक्शन क्या होती है। देखो बेटा यहाँ पर पी एक्स पी वाई पी जेड करता है, तो या तो क्या करेगा, दो पी जेड एक इस वाले कार्बन का पी जेड इस वाले कार्बन के पी जेड के साथ क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो ये बनाया सिग्मा 2pz, और बचे हुए क्या बने बेटा, पी एक्स और पी वाई ने क्या बनाया बेटा, पाई बॉन्ड बनाया, तो पी एक्स पी वाई ने पाई बॉन्ड बनाया, और ये दो पाई बॉन्ड बेटा सेम एनर्जी के होते हैं, पाई 2px एंड पाई 2py, यस और नो? सर लेकिन यहाँ पे 2pz में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, खाली छोड़ देंगे ना उसको, क्या दिक्कत है, क्योंकि बेटा यही तो खास बात है। अब बताता हूँ इसका मतलब क्या है, 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यही बताता हूँ आपको क्या मतलब है इसका। और बेटा देखो जब भी एनर्जी इंक्रीज होती है ना, तो यहाँ पर हमेशा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और पाई सिग्मा स्टार 2pz होता है। देखो यहाँ पर आपको याद करने वाली क्या बात, ठीक है? कुछ नहीं करना, आप अपने क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन को फिल अप कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि यहाँ पर भी बेटा सारे रूल सेम फॉलो होंगे, इन दोनों के एनर्जी सेम है, ये डी जनरेट है, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, यस और नो? यस और नो बेटा? अरे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल अप करने ये पी वाला, एक बार फिर से समझा दो ये पी वाला। देखो मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि पी के अंदर मेरे पास दो तरीके के ओवरलैप होते हैं, सिग्मा और पाई, जब भी जेड जेड ओवरलैप करता है तो सिग्मा जेड बनाता है, 2 sigma 2pz, यस और नो? यस सर। और बेटा जब एक्स और वाई वाले ओवरलैप करते हैं तो क्या बनाते हैं, पाई पाई बनाता है, पाई बनाता है, बस सिंपल सेम ही तो लिखा बेटा मैंने, जब एक्स और वाई ने ओवरलैप किया तो मेरे पास क्या बना, एक पाई बॉन्ड ये बना, एक पाई बॉन्ड ये बना, और इसका बेटा एंटी बॉन्डिंग क्या बना, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। वैसे बेटा जब जेड जेड ने ओवरलैप किया तो क्या बनता है, सिग्मा 2pz बनता है, और इसका मेरे पास क्या बनता है बेटा, सिग्मा स्टार 2pz बनता है, यस और नो? सर ऐसे तो हम सिग्मा 2pz को भी नीचे लिख सकते थे और पाई को। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, किसने पूछा बेटा क्वेश्चन ये, हाँ जी नाम बताइए, हाँ जी निखिल, निखिल वेरी बेटा, एक्सीलेंट बेटा, बिल्कुल सही पूछा बेटा, लेकिन ने बेटा इसको नीचे भी तो लिख सकता था, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम लिखते भी हैं बेटा। ये क्या होता है, ये बेटा आपको एक चीज है जो आपको थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी, देखो क्या होता है, यहाँ पर आपको लिखा देता हूँ बेटा, मेरे पास C2B2N2, ये बेटा मेरे पास छोटे मॉलिक्यूल हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, ठीक है?
तो कार्बन में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन से, 6 दूसरे कार्बन से, 12, 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर बेटा मेरे पास जो बाकी बिल्कुल एनर्जी सेम है, यहाँ पर बेटा मेरे पास जो पाई वाले ऑर्बिटल है ना उसकी एनर्जी 2pz से कम होती है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा बेटा, इसका और कोई तरीका नहीं है। जबकि बाकी जो होते हैं ना 14 से ज्यादा, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, वहां पर बेटा 2pz की एनर्जी कम होती है। सबसे पहले मेरे पास 2pz की एनर्जी कम आती है, देन बेटा मेरे पास एनर्जी आती है। ये मैंने यहाँ पर एक इसको यहाँ पर रखा बेटा, 2pz की एनर्जी मेरे पास यहाँ पर किससे कम होती है, पाई वाली से कम होती है। पी वाले ऑर्बिटल की जब भी ओवरलैपिंग करनी है आपको याद रखना पड़ेगा कि C2B2N2 ये क्या हो जाते हैं बेटा मेरे पास, छोटे होते हैं, मतलब कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और O2F2 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा जहां पे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वहां पर पी ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेगा तो पाई की एनर्जी कम होगी। इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ। C2B2N2 बेटा नंबर इलेक्ट्रॉन 14 से कम है, ये छोटे लोग हैं। O2F2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बेटा मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़े बड़े लोग हैं। तो जो छोटे लोग होते हैं ना बेटा वो हमेशा पाई पाई के मोहताज होते हैं, ठीक है, पाई मतलब समझते ना पैसे पैसे के लिए। तो बेटा बस ये छोटे लोग है ना बेटा यहाँ पर पाई पाई के मोहताज है, तो यहाँ पर हमेशा पाई, जब पी ऑर्बिटल की बात करता हूँ तो बेटा वहाँ पे पाई वाले बॉन्ड की एनर्जी थोड़ी कम होती है देन जेड वाले से, ठीक है, बॉन्डिंग वाले केस में। सिर्फ एंटिंग बॉन्डिंग वाले केस में तो हमेशा देखो 2pz की एनर्जी सबसे ज्यादा देन पाई से, यहाँ पर भी 2pz की एनर्जी सबसे ज्यादा देन पाई से। बॉन्डिंग में आपको पी वाला केस याद रखना पड़ेगा, क्लियर, यस और नो? यस सर। बॉन्डिंग में पी वाला केस याद रखना पड़ेगा बस। इसका क्यों क्या होता है देखो, हाँ जी सर थोड़ा सा धीरे समझा दो। अच्छा बेटा यहाँ पर क्या होता है देखो, जब इसकी एप्लीकेशन करेंगे ना आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो एक यहाँ पर मेरे पास एक कार्बन से 1s, दूसरे से 1s, दूसरे से 2s 2s। अब बेटा जब पी वाला केस आया तो मैंने देखा मुझे इनकी ओवरलैपिंग करानी, ठीक है, ओवरलैपिंग मैं कैसे करा सकता हूँ बेटा, जेड वाला जेड के साथ ओवरलैपिंग करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक्स वाला एक्स के साथ और वाई वाला वाई के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा एंटी बॉन्डिंग में हमेशा क्या होता है, पी जेड स्टार हमेशा सबसे हायर एनर्जी होता है, और ये पाई वाले एंटी बॉन्डिंग में जेड वाले से थोड़े कम एनर्जी पे हो। ये कैसे आता है, ये बेटा अगेन मैथमेटिकल मेरे पास ओवरलैपिंग से ही आता है, आप इसे देख के नहीं बता सकते, ये मैथमेटिक्स से ही आता है, ठीक है। और मेरे पास या तो मेरे पास बॉन्डिंग में जब भी पी वाले ने ओवरलैप किया तो बॉन्डिंग वाले केस के अंदर या तो पाई की एनर्जी कम होगी या पी जेड की एनर्जी कम होगी सिग्मा वाले की। याद रखना है C2B2N2 में हमेशा पाई वाले की एनर्जी कम होती है, यानी पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी कम होती है देन सिग्मा 2pz। समझ में आई बात? चलिए मैं एक और डायग्राम बना के देखते हैं, एक और डायग्राम बना के देखते हैं, वेट अ सेकंड। हाँ देखो बेटा मैंने O2 बनाया, सिंपल सी बात है। देखो O2 में बेटा 1s 2s 2p कितना हो जाता है बेटा, यहाँ पर 4 हो जाता है, 1s 2s 2p 4 हो जाता है, ठीक है। मैं अगेन 1s 1s के साथ ओवरलैप करेगा बेटा, 2s 2s के साथ ओवरलैप करेगा। अब जब 2p की बारी आती है बेटा, मैंने बताया था 2p के अंदर भी देखो 1 2 3 1 2 3, 3 और 3 टोटल 6 ऑर्बिटल आई, तो टोटल मोलिकुलर ऑर्बिटल भी कितनी बनती है बेटा, 6 ही बनती। इनमें से 3 तो मेरे पास एंटी बॉन्डिंग होती और 3 बॉन्डिंग होती। अब एंटी बॉन्डिंग वाले केस में हमेशा सिग्मा 2pz स्टार की एनर्जी हाई होती है, और जो पाई वाले हैं पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग वाले केस में हमेशा इसकी एनर्जी कम होती है देन सिग्मा 2pz वाले से। अब बेटा बात आती है किसकी, बॉन्डिंग वाले की, पी वाले केस में। तो मैंने बताया था बेटा C2B2N2 अगर है आपके पास तो पाई की एनर्जी कम होती है, अदरवाइज पाई की एनर्जी हायर होती है। तो देखो जब PZ आया तो बेटा यहाँ पर क्योंकि ये तो O2 है तो आपको 2PZ सिग्मा वाले को आपको नीचे एनर्जी में रखना है, और पाई 2PX पाई 2PY को वाई वाले को आपको थोड़ा हायर एनर्जी में रखना, बस इतनी सी बात थी बेटा। यस यस सर। सर हमेशा एंटी बॉन्डिंग वाला उसमें पाई को ऊपर नहीं लिखेंगे किसमें? नहीं नहीं बेटा मैंने वही तो बोला ना, एंटी बॉन्डिंग में तो हमेशा ऐसे रखना आप, सिग्मा की एनर्जी ज्यादा देन पाई। देखो सिंपल सी बात है, इस केस में बेटा पाई की एनर्जी कम है। अब बस सिंपल याद रखना कि सिग्मा स्टार की एनर्जी बेटा क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है किस केस के अंदर, एंटी बॉन्डिंग वाले केस के अंदर, ठीक है। और सिग्मा
मेरे पास बॉन्डिंग वाले में कम होगा या ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है कि कौन से मोलिक्यूल की एमओटी आप बना रहे हो. ओके सर. ठीक है, सिंपल सी बात. एक बार फिर वापिस जाते हैं बेटा अपने कार्बन की तरफ. देखो मैंने बेटा कार्बन में अगेन ऐसे ओवरलैपिंग कर दी. यहाँ तक तो सबको सिंपल पता है, यहाँ तक तो सबको इजीली पता है. प्रॉब्लम आती है 2PY, पी वाले के अंदर. पी में बेटा 2PX, 2PY, 2PZ होता है, दूसरे में भी. तो यहाँ पे ZZ के साथ ओवरलैप करता है और 2PX, 2PX, 2PY, 2PY. सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है. याद रख लेना C2B2N2 है तो बेटा कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, छोटे आदमी है, वहां पर बेटा हमेशा पाई की एनर्जी कम होती है देन सिग्मा. किसके अंदर? बॉन्डिंग वाले केस. एंटी बॉन्डिंग में तो हमेशा ही, एंटी बॉन्डिंग में ऑलवेज सिग्मा 2PZ स्टार की एनर्जी हाई होती है, देन पाई 2PX स्टार, पाई 2PY स्टार. इसको अगर आप 3-4 बार बना के देखेंगे आप खुद पता चल जाएगा कि कैसे किसके लिए इसको बनाना. यस यस सर. ठीक है बेटा. अब देखो इसे बेटा इन्फॉर्मेशन क्या निकालता हूँ मैं. सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बेटा मैं निकालता हूँ बॉन्ड ऑर्डर की, यानी कितने नंबर ऑफ बॉन्ड मेरे बनते. सिंपल, आपने कुछ नहीं करना. कोई भी मॉलिक्यूल के अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछे उसकी आप एमओटी बनाओ जैसे मैंने आपको समझाया, और इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, देन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग माइनस कीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? आपका बॉन्ड ऑर्डर. जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एंटी बॉन्डिंग कितने है बेटा? 1, 2, 3, 4. तो मैंने क्या किया बेटा, 8 - 4 किया तो मेरे पास 2 बॉन्ड बनते हैं बेटा. यस और नो? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर. जो आपने 2P वाला लिया उसके अंदर एंटी बॉन्डिंग क्यों नहीं बनेंगे? 2P बन तो रहे एंटी बॉन्डिंग, ये बन तो रहे एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट. सर फिर आपने 2 क्यों कंसीडर करे? 2 कंसीडर करे मतलब समझा नहीं मैं. सर आगे केस लिया जिसमें आपने 8 - 4 वो करा. अच्छा, इलेक्ट्रॉन नहीं है ना उसके अंदर बेटा, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कहां से लाऊं मैं? आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करने है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है बेटा. क्लियर? ओके सर. एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है तो काउंट कीजिए, अदरवाइज मत काउंट कीजिए. एंटी बॉन्डिंग तो वैसे भी मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करता है. एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए बेटा ये मॉलिक्यूल बनता है. अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आया तो मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं. अगर फाइनल में इक्वल हो गए ना दोनों बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग तो मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा C2. अब देखो खास बात बेटा, C2 के अंदर क्या कभी सिर्फ पाई बॉन्ड बन सकता है बेटा? दो मॉलिक्यूल के बीच में बन सकता है बेटा. C2 के बीच में सिर्फ 2 पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल है. B2 के अंदर बेटा कितने? 1 पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल है. एमओटी के बेसिस पर आप बता सकते हो कि बेटा किसके अंदर कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है. यस और नो? सर ये 2π है, ये कैसे पता चला? अच्छा 2π है बेटा. ये बॉन्डिंग के अंदर कौन से, देखो 2π कैसे पता चला? 1s 1s से बेटा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. यस सर. इसकी बॉन्डिंग इसकी एंटी बॉन्डिंग कैंसिल कर देगा. हां सर. इसकी बॉन्डिंग इसकी एंटी बॉन्डिंग कैंसिल कर देगा. यस सर. इसकी बॉन्डिंग को कोई कैंसिल करने वाला है ही नहीं बेटा. और यहाँ पर सिर्फ 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक तो बेटा ये भी पाई में है, ये भी पाई में है, तो सिर्फ पाई बॉन्ड बनेगा. ओके सर. सिंपल बात है ना? यस सर. अब देखो क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाई हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट. आपको कुछ नहीं करना बेटा. देखो आपको क्या बनाना है, सिंपल आपको बेटा बनाना है इसका क्या. देखो हीलियम में कितना हो जाता है मेरे पास, एक हीलियम यहाँ से लिया मैंने, एक हीलियम यहाँ से लिया. हीलियम में बेटा 1s2 हो जाता है, 1s. यहाँ पर बेटा क्या हो जाता है, 1s हो जाता है. तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिलअप किए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिलअप. मैंने बेटा इनको ओवरलैप कराया. जब इनको ओवरलैप कराया गया तो एक बॉन्डिंग बनता है और एक बेटा मेरे पास बनता है एंटी बॉन्ड. इसको बोलता हूँ बेटा 1s. सॉरी, इसको बोला जाता है सिग्मा 1s. इसको बोला जाता है बेटा सिग्मा 1s. इसको बोला जाता है सिग्मा 1s स्टार. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 4. तो आपको जब एमओटी में इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं आपको हुंडसुली फॉलो करना पड़ता है. तो पहले सेम एनर्जी पे 1, 2, देन 3, 4. यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा मुझे बताओ? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 0. तो बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या बेटा? मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं. क्लियर? ओके सर. और H2 जब बनाओगे तो हाइड्रोजन में क्या आएगा बेटा? देखो 1, 1, तो सिर्फ एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी. तो मतलब बेटा हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है तो बॉन्ड बन रहा है बेटा. ओके सर.
बस एक बात याद रख लेना, जितना ज्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतना बेटा आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा और छोटा होगा, यस और नो? देखो एक एक मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों के बीच में बेटा अगर दो बॉन्ड बन रहे हैं तो बेटा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ये वाला बॉन्ड, तो एक दूसरे के करीब नहीं आ जाएंगे, और अगर बेटा तीन तीन बॉन्ड बन रहे हैं तो और छोटा होगा, तो मैं तो यही तो इस पॉइंट्स का मतलब यही तो है। ओके सर, ठीक है, सिंपल सी बात। हाँ जी सर, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसको कैलकुलेट करने का कोई और भी मेथड होता है? बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट, बेटा एक ट्रिक होती है, मैं आपको ट्रिक यहाँ से बता दूंगा, एक ट्रिक होती है सीधा बता दूंगा आपको फाइनल में कि उसको कैलकुलेट कैसे करो। ओके सर, ये तो एमओटी के हेल्प से बता सकते हैं उसको सिंपल। यस, कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या, देखो अगर बॉन्डिंग 1s 1s को ओवरलैप किया और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसको कैंसिल ही करके चलो हमेशा, तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर कितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4, 4 से एक बॉन्ड के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 के लिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड बन रहे होंगे। ठीक है चलिए, अब देखो, अब बेटा देखो ऑक्सीजन मैंने काउंट किया, मान लो मैंने ऑक्सीजन बनाया, ठीक है मैंने ऑक्सीजन लिखा बेटा कि O2 मॉलिक्यूल बना, ये देखो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, एमओटी नहीं थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब है कि जब भी मॉलिक्यूल बनता है तो बेटा क्या होता है, वैलेंस शेल वाले पार्टिसिपेट करते हैं, यही पढ़ते हैं बेटा आप अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो मैंने बनाया एक ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, देखो एक इस अनपेड इलेक्ट्रॉन ने इस अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर ली, ओवरलैपिंग कर दी, और इसने इसके साथ ओवरलैपिंग कर दी, यस और नो? यस सर। तो बेटा यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं बचा ना? नो सर, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, बेटा यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और आपको पता है कि बेटा अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक होगा, ये आपको बता रखा है पहले चैप्टर में डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है। यस सर, लेकिन बेटा जब एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे पता चला कि O2 तो पैरामैग्नेटिक है, तो इससे पता चला बेटा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 का नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। मैंने क्या बनाया, O2 की MOT बनाई, सिंपल, एक ऑक्सीजन यहाँ लिखा एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ऑक्सीजन यहाँ लिखा एटॉमिक ऑर्बिटल, देखो 1s 2s 2p4, 1s 2s 2p4, इन दोनों को ओवरलैप करा दिया। 2p वाले ओवरलैप में, अब दोबारा बिल्कुल आराम से रिपीट कर रहा हूँ, 2p वाले ओवरलैप में थोड़ा ध्यान से ओवरलैपिंग करनी है, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है C2 B2 N2, ये छोटे आदमी होते हैं, ये पाई पाई का मोहताज होते हैं, तो इसकी बॉन्डिंग में पी वाले केस के अंदर, सिर्फ पी वाले केस के अंदर बॉन्डिंग में पाई ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती, लेकिन अगर मॉलिक्यूल है O2 है F2 है उस केस में बेटा पाई की एनर्जी कम नहीं होती, उस केस में 2pz वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल की सिग्मा वाले केस की एनर्जी कम होती है, तो 2px 2py 2pz यहाँ पर एनर्जी कम किसकी, 2pz वाले केस में एनर्जी कम सिग्मा 2pz, और पाई वाले केस की बॉन्डिंग में एनर्जी ज्यादा। एंटी बॉन्डिंग में तो हमेशा कैसा होता है बेटा, पाई की एनर्जी कम और सिग्मा की एनर्जी ज्यादा। आई समझ में अब बात सारी, यस और नो? यस सर। बस देखो ये तो पी वाले बॉन्डिंग वाले डिफरेंस है, बाकी तो सब सेम ही है, यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल देखना पड़ेगा कि C2B2N2 का है या O2F2 का है, तो बेटा ये तो O2 का है, तो यहाँ पर तो सिग्मा की एनर्जी कम है ना कि पाई की, 2pz वाले, बस आपने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दी। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ से कितने आए मेरे पास, 8, यहाँ से 8, मुझे 16 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16, यस और नो? तो देखो बेटा ये जो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये कहाँ प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है ऑक्सीजन की, यस सर। हाँ, और बेटा क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो O2 क्या है बेटा, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यस और नो? यस सर। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बेटा सिंपल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10, और एंटीमोनियम में कितने बेटा मेरे पास 1 2 3 4 5 6, तो 10 - 6 कितना हो जाता बेटा मेरे पास, 4 4 4 / 2, या फिर आप क्या कीजिए इन दोनों कैंसिल, ये बॉन्ड कैंसिल, क्योंकि ये बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग कैंसिल हो गए, सिर्फ इससे इसको वाले को कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर बॉन्डिंग कितने है 6 और एंटीबॉन्डिंग कितने है 2, तो 2 बेटा, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2 ही आएगा, यानी एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड में,
क्लियर बेटा, यस और नो? यस सर। इलेक्ट्रॉन कैसे वो नहीं समझा, कौन से वाला सर? जैसे अभी 2p और यहाँ पे 2p में सिग्मा 2p z में ही इलेक्ट्रॉन जो थे वो कैसे रखेंगे, वही समझ नहीं आया। अच्छा, पाई वाले केस में, सिग्मा वाले केस में, पाई वाले केस में, 2p 2p सिग्मा वाले केस में या 2p पाई वाले केस में बेटा? सर 2p पाई, 2p पाई। अच्छा, 2p पाई में कुछ नहीं, दो लेवल है ऐसे पाई में, दोनों की एनर्जी सेम है। तो जो हुंड्स रूल क्या बोलता है कि अगर दो कोई दो एनर्जी लेवल है, जैसे आप पी में लिखते थे तीन है, तीनों की एनर्जी लेवल सेम है तो कैसे लिखते थे, पहले तीनों को सिंगली ऑक्यूपाई करते थे, यस और नो? यस सर। फिर पेयरिंग स्टार्ट करते थे, तो यहाँ पर भी तो सेम है, पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सेम रहती है बेटा, तो हमेशा पहले ऐसे करेंगे देन पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके सर। और सर फिर यहाँ पे पेयर होने के बाद ऊपर वाले इसमें जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, पहले यहाँ पे पेयर होगा फिर ऊपर जाएगा ना, क्योंकि इस वाली एनर्जी ज्यादा है ना इससे, पहले सेम एनर्जी पे फील करोगे तभी तो हायर एनर्जी पे मूव करोगे, यही तो बोलता है मेरे पास ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ओके सर, ठीक है ना, बस सिंपल है। अब देखो बेटा, सेम व्हाई हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल सी बात है बेटा, 1s 1s मैंने क्या किया बेटा, 1s इलेक्ट्रॉन 1s इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो हीलियम 2 बेटा नहीं बनेगा, मैंने आपको बताया। लेकिन हीलियम 2 प्लस बेटा क्या एग्जिस्ट करता है बताओ मुझे, यस और नो? करेगा बेटा, हीलियम 2 प्लस करता है। हाँ, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 0.5, क्यों? देखो हीलियम 2 प्लस में बेटा कितने टोटल, तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 1, 2 एंड 3, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 - 1/2 0.5। यहाँ पर बेटा मेरे पास क्या हो जाता है, हीलियम के अंदर, ये हीलियम के अंदर है, यहाँ पर बेटा हीलियम 2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, अगर यहाँ पर मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन आया उस केस में 0। ऐसे बेटा नियोन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बना के देख लेना, नियोन भी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? नियोन प्लस भी एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल बेटा, एनी 2 प्लस भी एग्जिस्ट करेगा, वहां पर बॉन्ड ऑर्डर चाहे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आया एग्जिस्ट करेगा। हाँ जी सर, मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। अरे बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या है कि बॉन्ड है ही नहीं, ऑब्वियस बात है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब यही है ना कि yes, बॉन्ड है कुछ। हाँ, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 तो बॉन्ड ही नहीं है, तो एग्जिस्ट कहां करेगा मॉलिक्यूल बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए दूसरी बात बेटा, जो मैंने एमओटी बनाई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मॉलिक्यूल के पास बेटा यही ऑर्बिटल प्रेजेंट रहती है जहां पर वो बॉन्ड या तो बना सकता है या कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, वो क्या करता है लेकिन मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करता है। अगर डिस्टेबलाइजेशन इतनी है कि बॉन्ड ऑर्डर 0 ना है, नहीं बन रहा, तो डेफिनेटली बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर बेटा ऐसा आपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, फिर तो मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, वो फिर वो केस पॉसिबल नहीं। चलिए उसको भी आगे एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। देखो स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। मैंने बताया बेटा ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ करेगा देन डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की ज्यादा स्ट्रेंथ होगी देन सिंगल बॉन्ड, और जितनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है बेटा बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होगी। यस और नो? यस सर। हाँ, तो देखो इफ फॉर टू कंपाउंड्स बॉन्ड ऑर्डर कम्स टू बी सेम देन द वन विद लोअर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विल बी मोर स्टेबल। मान लो बेटा कोई दो कंपाउंड बन रहे हैं मेरे पास, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है एक के अंदर, लेकिन बेटा एक मॉलिक्यूल के अंदर तो एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और दूसरे के अंदर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना एंटी बॉन्डिंग वाला, वो ज्यादा स्टेबल। क्लियर? चलिए इस केस को भी आगे देखेंगे, ये सब आगे क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। अब देखो ये बात रखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल वोंट एग्जिस्ट, अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और स्टेबल भी होता है। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर बेटा 0 से 1 के बीच में है, 0.5 है, तो मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन बेटा वो स्टेबल नहीं होता। जैसे हीलियम 2 प्लस एग्जिस्ट तो कर जाएगा बेटा वो, लेकिन स्टेबल नहीं होता। यस यस सर। ठीक है, चलो आगे चलो। देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन अमंग H2 H2 प्लस एंड H2 माइनस अरेंज इन इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इनको इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर पे लगाए, तो देखो मैंने फटाफट साइड में ना एमओटी बना दी हीलियम H2 की, 1s 1s, यहां से बेटा ओवरलैप होगा, यहां से भी ओवरलैप होगा। ठीक है, ये बनता है बेटा सिग्मा 1s, ये बनता है सिग्मा 1s स्टार। पहले बेटा मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया,
वन टू, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा इस केस के अंदर बताओ? वन आ गया बेटा बॉन्ड ऑर्डर वन आ गया ना, है ना। देखो एस टू के केस में मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर वन आया बेटा। अब बात करता हूँ एस टू प्लस की, एस टू प्लस में बेटा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। एस टू प्लस के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ना बेटा, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन में से प्लस कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन रहा, एक इलेक्ट्रॉन रहा तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ पर? वन, यस और नो? सॉरी 0.5, 0.5 कितना बॉन्ड ऑर्डर आया बेटा? 0.5 आया, यस सर। और बेटा अगर मैंने क्या किया, मान लो बेटा यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन कर दिया तीन इलेक्ट्रॉन, हीलियम एस टू माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ही बेटा मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर कैसा आया? 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 0.5, यस और नो? समझ में आया? तो देखो इस केस के अंदर भी 0.5 आ रहा है, इस केस के अंदर भी 0.5 आ रहा है, तो और एस टू केस में 1 आ रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा? एस टू की तो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अब इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ रहा है बेटा, लेकिन एस टू माइनस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में था, एस टू प्लस के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं था, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आया तो बॉन्ड थोड़ा वीक होगा, एस टू के बाद बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा बनेगा? एस टू प्लस का, और सबसे लास्ट में हो जाएगा एस टू माइनस का। आया समझ में? यस सर। ठीक है, और जैसे बेटा आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ पता चली आप बॉन्ड लेंथ लगा सकते हो, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा तो उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी बेटा, सिंपल सी बात है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्लियर सर? हाँ जी सर, यहाँ पे H2 प्लस में से फिर यहाँ पे हम पूरे मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या फिर दोनों हाइड्रोजन में से एक एक निकालेंगे? नहीं 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 बेटा, देखो H2 के ऊपर प्लस चार्ज का मतलब है कि H2 के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उसे एक इलेक्ट्रॉन गायब है, प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन गायब है बस, 2 प्लस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन गायब है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना बस, पूरे मॉलिक्यूल में से निकालना है। ओके सर, ओके। ठीक है चलिए जी, देखो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर तीन भी होता है जैसे नाइट्रोजन का, सिंपल बात है, हमेशा अगर एक तीन बॉन्ड बन रहे हैं ना तो एक सिग्मा होता है बाकी दो पाई होते हैं, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर। आगे देखो, वी कैन कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटॉमिक स्पीसीज विद मॉलिक्यूल। मैंने बताया था ना बेटा जैसे एटम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम करती है, वैसे बेटा यहाँ पर मॉलिक्यूल के केस में भी उसकी एमओटी काम करती है। देखो एटम के केस में मैं एटम की ऑर्बिटल्स को अरेंज कर देता हूँ अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विद देयर एनर्जी, बेटा मॉलिक्यूल के केस में देखो ये भी तो मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल्स हैं, ये भी मैंने कैसे अरेंज कर दी? उसके इंक्रीजिंग एनर्जी के बेस पर, तो इसको बेटा कंपेयर किया जा सकता है। कैसे कंपेयर किया जा सकता है? देखिए फॉर एग्जांपल, विच वन इज इजियर टू आयनाइज, ओ टू या ऑक्सीजन? बेटा किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, ओ टू में से या ऑक्सीजन में से बताओ? ऑक्सीजन में से। ऑक्सीजन में से ज्यादा होगा देन ओ टू? नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता ये बताता हूँ आपको। ये O2 था बेटा, हाँ जी सर, वहां पर एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा तो। हाँ देखो बेटा ऑक्सीजन जो अगर एटम था तो उसका इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल पे था, लेकिन मॉलिक्यूल बेटा जब O2 बन गया ना तो इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला अब इस एनर्जी लेवल पे आ चुका ना मॉलिक्यूल के अंदर, तो यस और नो? और ये वाली एंटी बॉन्डिंग इस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर एनर्जी पे है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बेटा आसान होगा देन इससे, क्योंकि बेटा ये पहले से हायर एनर्जी प्रेजेंट है, यस और नो? Yes, sir. हाँ तो बेटा ऐसे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं आपको, देखो बस ये बनाना आना चाहिए, बाकी जो मैंने आपको सारे पॉइंट लगाए ना कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, ये सिर्फ मैंने इसलिए समझाया कि बेटा एंटी बॉन्डिंग बनती है और बॉन्डिंग बनती है, एंटी बॉन्डिंग डिस्टेबलाइज करती है बॉन्डिंग स्टेबलाइज करती है, आपको सिर्फ ये बनाना आना चाहिए, बाकी तो सिर्फ थ्योरी थी ताकि आपको ये पार्ट एक्सप्लेन किया जा सके, सिंपल है। ऐसे ऐसे काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हीलियम एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, आपको सिर्फ एमओटी बनानी है, और एमओटी में अगेन C2B2N2 वाला रूल याद रखना, C2B2N2 बेटा छोटे होते हैं पाई पाई के मोहताज होते हैं, तो जब पी ओवरलैप करता है तो बेटा उसमें पाई की एनर्जी कम होती है देन सिग्मा 2PZ, और एंटी बॉन्डिंग वाले केस में तो हमेशा हमेशा सिग्मा स्टार 2PZ की एनर्जी हाईएस्ट होती है देन पाई वाले। जब मेरे पास O2F2 आ जाता है यानी इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा आ जाते हैं, उस केस में क्या होता है बेटा, उस केस के अंदर मेरे पास सिग्मा 2PZ बॉन्डिंग में एनर्जी कम और पाई की थोड़ी ज्यादा, एंटी बॉन्डिंग में तो हमेशा सेम ही रहता है, या जब लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये होती बेटा मेरे पास ट्रिक बॉन्ड ऑर्डर निकालने की। हाँ जी सर, हीलियम नेगेटिव का कैसे बनाएंगे? हीलियम नेगेटिव बेटा
हीलियम नेगेटिव में बेटा देखो, हीलियम नेगेटिव के अंदर है ना आपको 2s ऑर्बिटल ही बनानी पड़ी, यहाँ पर 2s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ओवरलैप करेगा, यहाँ पर ओवरलैप करेगा, ठीक है, लेकिन ये बनाता नहीं हूं मैं क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल होती नहीं है बेटा, ठीक है, तो 2s बनाता ही नहीं बेटा, हीलियम नेगेटिव तो बिल्कुल बनने के चांस ही नहीं, अगर आता है तो आपको फिर 2s रैपर बनाने ही पड़ेगी, क्योंकि अब 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आपको यही डालना पड़ेगा बेटा, यस ओके सर, ठीक है बेटा। अब देखो ये बेटा मेरे पास ट्रिक होती है हमेशा, एग्जाम में सीधा आता है बॉन्ड ऑर्डर बताओ, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं बेटा, N2 के अंदर होते हैं, यस और नो, एक नाइट्रोजन है 7, दूसरे नाइट्रोजन से 7 आते हैं, क्लियर, यस सर, तो नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के अंदर, ये तो सबको याद ही होगा ना, हाँ तो बस ये याद रखिए, देखो इलेक्ट्रॉन 14 से 13, 12, 11, 10, 9, 10, 9, 8, उल्टा इलेक्ट्रॉन चलिए, काउंटिंग कर लीजिए, 14 से आगे 15, 16, 17, 18, 19, बस बेटा अगर 14 है तो कितने मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर होगा, 3, 14 से पीछे गया बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम कर दो, 14 से आगे गया बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम कर दो, कम ही करना है, 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनते ना, 4-5 नहीं बनते, 3 ही बनते, 13 से 12 गया 0.5 कम कर दो, 12 से 11 गया फिर 0.5 कम कर दो, फिर 0.5 कम कर दो, फिर 0.5 कम कर दो, फिर 0, अब 0 के बाद बेटा और कम तो हो नहीं सकता, इसके बाद क्या होता है फिर इंक्रीज होता है 0.5 से 1, फिर 1 से फिर 0.5, ऐसे बेटा यहाँ पर 0.5 कम किया, फिर 0.5 कम किया, फिर 0.5 कम किया, फिर 0.5, फिर 0.5 कम किया और फिर 0 होता है, ये बेटा एक ट्रिक है, अगर आपको इसका पता है ना तो आप इजीली बता सकते हो 11, 12, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितने क्या आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा, यस और नो, है जी बेटा, यस सर, ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक होता है, हाँ जी सर, लेकिन कार्बन तो मतलब 4 बॉन्ड तक बना सकता है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है बेटा, देखो कार्बन के मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, जब C2 बनता है मेरे पास, अभी सिर्फ मैंने ना डायटोमिक के बारे में बताया बेटा, कि दो एटॉमिक कैसे बनते हैं मेरे पास, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैप करता है, जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो बेटा एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आते हैं, उसकी तो मैंने आपको बताया नहीं ना कैसे करते हैं बेटा, ये सारे का सारा डायटोमिक के लिए बेटा, क्लियर, ओके सर, ठीक है चलिए, और ये क्या मेरे पास है, हाँ बेटा एक ये होता है मेरे पास डायटोमिक, अगर ये आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, MOD या मॉलिक्यूलर डायग्राम फॉर हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल HF के केस में क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेंस डिफरेंट एनर्जी, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, देखो बेटा यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक मेरे पास बेटा यहाँ पर क्या है फ्लोरीन, एक हाइड्रोजन है बच्चे, एक है मेरे पास फ्लोरीन, ठीक है जी, अब बेटा हाइड्रोजन और फ्लोरीन की एनर्जी सेम तो होती नहीं, आपको पता है अच्छे से हाइड्रोजन और फ्लोरीन की एनर्जी अलग अलग होती है, हाइड्रोजन में सिर्फ 1s होता है, फ्लोरीन में क्या हो जाता है बेटा 1s 2s 2p, ये गलती कभी मत कर देना कि अगर हाइड्रोजन की 1s है और फ्लोरीन की 1s की एनर्जी सिमिलर होती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, फ्लोरीन के अंदर साइज थोड़ा कम हो जाता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, तो इसका 1s इसके 1s के कंपैरिजन में बहुत पास होता है, तो एनर्जी बहुत कम होती है, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी बेटा एनर्जी उतनी ही कम होती, ठीक है ना, तो फ्लोरीन की एनर्जी बेटा 1s से बहुत कम होती है, देखो बहुत कम, ठीक है, तो देखो 1s के साथ तो ओवरलैप करेगा ही नहीं, मैंने आपको बताया था ये एज इट इज रह जाता है बेटा, क्योंकि सिमेट्री मैच नहीं करती, एनर्जी मैच नहीं करती, इसको बोलता हूँ नॉन बॉन्डिंग, इसकी 2s भी एज इट इज रह जाती है बेटा, नॉन बॉन्डिंग, और ये जो बेटा फ्लोरीन है ना, इसमें बेटा 1s की एक ऑर्बिटल के साथ इसकी सिर्फ एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी, ये एम्प्टी वाली, तो ये जो ये सिंगली पेयर वाली ओवरलैप किया, एक एंटी बॉन्डिंग बनी, इसको बोलता हूँ बेटा एस ने बी के साथ ओवरलैप किया तो इसको बोलता हूँ सिग्मा SP, और इसको सिग्मा स्टार SP, और बाकी ये वाली और ये वाली एज इट इज रह जाती है बेटा, अगेन इनको क्या बोला जाता है बेटा, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, तो देखो वैलेंस शेल के अंदर कितने मेरे पास क्या मिलते हैं नॉन बॉन्डिंग, वैलेंस शेल के अंदर 1, 2, 1, 2, 3, इसलिए बेटा HF को क्या लिखा जाता है HF, और ये जो बेटा 3 यहाँ पर देखने को मिलते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं बेटा, इसके नॉन बॉन्डिंग हो जाते हैं 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, क्लियर, यस सर, यहाँ पर भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आपको कितना निकल के आएगा बेटा, 1 ही निकल के आएगा बॉन्ड यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन है 2, 2-0, ये मेरे पास हेटरोटॉमिक के लिए होता है,
ये सिलेबस में नहीं है आपके, फ्री मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब बेटा ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा। सारे मोलिक्यूल की पूरी दुनिया में सारे मोलिक्यूल की बेटा एमओटी अलग, और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, लेकिन हम जनरली इसको पढ़ते हैं, इसकी एमओटी अलग, ठीक है। ये बड़ा ही खास मोलिक्यूल होता है, बाकी सबकी एमओटी अलग, इसकी एमओटी अलग बेटा। इसको एमओटी को लिए मुझे एक अलग ही कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है, अगेन वो आपको बेटा फिलहाल तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसकी एमओटी होती है, ये बेटा मैं इसकी एमओटी आपको आज नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप पहले तो बाकी एमओटी पढ़िए, उनको बनाने की कोशिश कीजिए। इसकी एमओटी बेटा फिर मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे बेटा डाइपोल मोमेंट वाला, क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए बाकी आज रिवाइज कीजिए। हाँ मैं थोड़ी देर में इसको अभी भेज देता हूँ स्क्रीनशॉट, बाकी रिवीजन कीजिए। कल बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड की आपको एमओटी बता दूंगा एक बार, क्या हो। ओके सर, थैंक यू, ओके बाय सर।